और मैं जानना चाहूंगा सर कि हमारा जो नेपाल का बैच है वो सर कब से कर रहे हैं और क्या प्लानिंग है उसकी? नेपाल का बैच हमारा 5 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है और 5 दिसंबर से नेपाल में बैच लगेगा। तो वहाँ मैं 10 दिन रहने वाला हूँ। जिसको भी नेपाल में मुझसे पढ़ना है तो वो वहाँ पर 5 दिसंबर की बुकिंग ले सकते हैं। और व्यूवर्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा अगला बैच है वो 20 नवंबर से यहाँ पे भोपाल में स्टार्ट होने वाला है, तो जिसकी बुकिंग काफ़ी हद तक पैक हो चुका है और कुछ सीटें लेफ्ट है। तो अगर आप चाहते हैं कि 20 नवंबर के बैच को अटेंड करना, जिसमें सर का यहाँ पे प्रेजेंस रहेगा 20 नवंबर से लेकर के और वो अगले 20 दिन तक एडवांस वाला जो कोर्स है उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो तुरंत नीचे दिए हुए नंबरों पे कॉल करें। और इस तरह की प्रो लेवल पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे परिवार के साथ में जुड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। ऐसा सॉल्यूशन जिसे देख दुनिया होगी सोचने पर। जीआर ओके, हॉट टेस्टिंग ओके, सिग्नल टेस्टिंग ओके, सारे वोल्टेज ओके। अब क्या 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 कि हम उसकी रिक्वायरमेंट जरूर पूरी कर सकते हैं, तो शायद ये सही हो जाए। क्या सीपीयू रिपेयर किया जा सकता है? क्या लगता है आपको, होगा ये मोबाइल रिपेयर? चलो करते हैं कोशिश, देखते हैं होता है कि नहीं। तो अब हम करेंगे सीपीयू ड्रिल कि मेरी मेहनत सफल हो या नहीं हो, ये फोन बने या नहीं बने, आप लोगों का भरोसा नहीं मिलना चाहिए, उनका भरोसा नहीं मिलना चाहिए, उनका भरोसा नहीं मिलना चाहिए। अब आप सब लोग भी कामयाब हो सकते हो सीपीयू रिपेयर करने में। जहां दुनिया हो जाती है खत्म, वहां से आप लोग होते हो शुरू। इसीलिए कहते हैं हमें एडवांस टेक मोबाइल गुरु। और वो करने से पहले उन्होंने हमको बताया भी कि हम ये क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हम हमारा 100% दे रहे। ये होगा या नहीं होगा ये हम नहीं मालूम कि 100% या पहले से ट्रेसिंग की हुई थी और पहले से जो है लोग कमेंट करते हैं कि जो है पहले से ट्रेसिंग करके रखा हुआ होगा या पहले से जो है जान उसके बारे में जो है ये कर लिया होगा, मालूमात कर ली होंगी, बाद में किया होगा। लेकिन आपने भी देखा कि जो है सर ने हमारे सामने किया और हमने हमारी आंखों से सामने बैठ कर देखा है इस चीज़ को, तो उसको तो हम झुठला नहीं सकते। एक होता है ना कि माँ बाप है, माँ बाप यही चाहते हैं क्या हमारा बच्चा क्या करे कि वो जीवन में जो है आगे बढ़े। जब माँ बच्चे को उठाती है तो क्या करती है, जो है कमर पे बिठाती है ताकि जहाँ तक मैं देखूँ वहाँ तक मेरा क्या देखे, बच्चा भी देखे। और बाप जब बच्चे को उठाता है तो वो क्या करता है, कंधे पर बिठाता है ताकि वो वहाँ तक देखे जहाँ तक मेरी भी नज़र नहीं जाती। लेकिन एडवांस टेक, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि एडवांस टेक में जो दीपक सोनी सर जो है हमारे सर गुरु है, जो पहले गुरु है मेरे, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने हमें सर पर बिठा है। कहाँ बिठा है? सर पर बिठा है कि जो क्वेश्चन करो, जो जो सवाल करो, उस सवाल का जवाब हमें हाजिर है। कोई बात करे तो ठीक, कोई ना करे तो ठीक, इस राह पर सवार हो गया हूँ मैं। कोई बात करे तो ठीक, कोई ना करे तो ठीक, इस राह पर सवार हो गया हूं मैं। लोगों को लगता है कि मुझ में गुरूर आ गया है, लोगों को लगता है कि मुझ में गुरूर आ गया है, मुझे लगता है कि समझदार हो गया हूं मैं। नमस्कार साथियों, मैं दिलीप रामवानी एडवांस टेक के मंच से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आप व्यूअर्स जो इतना प्यार देते हैं हमारे इस चैनल पे, तो उसका वन एंड ओनली रीजन यही है कि आपको यहां पे बहुत कुछ यूनिक सीखने को मिलता है। जी हां दोस्तों, यूनिक। मैं इस मंच पे बड़े जिम्मेदारी के साथ में ये कहते हुए, मुझे हर्ष भी होता है और बहुत खुशी भी होती है कि हम जब भी कोई सॉल्यूशन लेकर के आते हैं तो उसमें आपको बहुत कुछ नई जानकारी, कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को जरूर मिलता है। और आज भी हमारे पास में एक ऐसा केस है जिसको हम लोग अभी डायग्नोस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, डायग्नोस करने से पहले मैं आपको उसकी हिस्ट्री बता देना चाहूँगा। सेट भेजा गया है हमारे एक किसी स्टूडेंट ने, उसके पास किसी और जगह से होकर के आया है। जगह का नाम हम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन हाँ ये चीज़ जरूर कह सकता हूँ कि किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से वो रिटर्न है ना, तो हम किसी का नाम नहीं उछालना चाहेंगे, लेकिन
ठीक है, उन्होंने अपना प्रयास किया होगा, स्टूडेंट ने, हमारे वाले स्टूडेंट ने भी उस पर मेहनत किया है, और जो जो चीज़ें चेक हो सकती थी या जितने जो भी चीज़ें उसके अंदर प्रयास संभव हो सकते थे वो सारे किए गए, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाया और वो सेट आज हमारे हाथ में आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, फॉल्ट है ग्राफिक का, देखने में आपको लग सकता है कि एक ग्राफिक का फॉल्ट है, उसके लिए क्या वीडियो बनाना, मगर ये सेट है चैलेंजिंग, क्योंकि इसमें ग्राफिक के लिए जितनी चीज़ें आवश्यक होती है वो सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली आ रही है। मतलब आपके पास जो भी नॉलेज है, आपको पता होता है कि इसके लिए वीएसपी वेसन का बनना, आईडी लाइन का, रीसेट लाइन का, एवरीथिंग इज़ ओके, मतलब सारी जीआर ओके, हॉट टेस्टिंग ओके, सारे सिग्नल टेस्ट जो भी है सारा कुछ ओके है। और कस्टमर का कहना है कि इसका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने इस पर एक दूसरा सीपीयू प्लांट करके भी देखा, इंस्टॉल किया, दूसरे सीपीयू पे ग्राफिक सारा कंप्लीट बन चुका है, का मतलब डिसाइड ये हुआ कि जो सेट में जो सीपीयू लगा हुआ आया है वो सीपीयू फॉल्टी है ना, यही हुआ ना। जब दूसरा सीपीयू लगाने से सेट कंप्लीट ऑन हो रहा है, लाइट ग्राफिक सब कुछ आ रहा है, लेकिन वापस से अगर हम कस्टमर का सीपीयू लगाते हैं तो लाइट ग्राफिक नहीं आता है। तो यहाँ पे कैच उलझा हुआ है कि फॉल्ट मदरबोर्ड में तो नहीं है, अगर मदरबोर्ड में फॉल्ट होता तो दूसरे सीपीयू पे भी नहीं चलता है ना, और जब दूसरा सीपीयू हम लगा रहे हैं तो उस पर काम हो रहा है, का मतलब कहीं ना कहीं सीपीयू में ही दिक्कत है। अब चैलेंज ये है कि हम उसको फ्लैश नहीं कर सकते, अदरवाइज हम दूसरा सीपीयू डाल करके दे सकते हैं। कस्टमर का कहना है कि डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब ये एक चैलेंजिंग वाला फॉल्ट आ गया है कि हमें एक खराब सीपीयू को रिपेयर करना है। क्या करना है? एक खराब जो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है ना, जो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ऐसे सीपीयू को रिपेयर करना है, तो अब वो है एक बहुत बड़ा चैलेंज। देखते हैं हम उसको किस तरीके से डायग्नोस करेंगे और किस तरीके से उसको रिपेयर करेंगे, और इन सब चीज़ों के लिए लगती है बहुत बड़ी मेहनत और एक बहुत बड़ा नॉलेज भी लगता है, और वही हम आप लोगों के साथ में लाइव पे शेयर करते हैं। बिल्कुल रियल लाइव होने जा रहा है ये वाला केस जो आपके सामने है, हो सकता है ये सेट ओके हो जाए पुराने सीपीयू पे, हो सकता है नहीं भी हो, है ना। हम एक बेहतर वाला प्रयास कर सकते हैं, हम अपना 100% हम दे सकते हैं कि इसमें और क्या संभावनाएं ढूंढी जा सकती है, और उस काम को करने वाले हैं हमारे जो महागुरु हैं दीपक सर। तो अगली आवाज़ जो आप सुनेंगे वो दीपक सर की सुनेंगे, आइए मैं ले चलता हूँ दीपक सर की। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, अभी दिलीप सर ने जो आपको बताया वो सेट मेरे हाथ में है, और ये सेट जो है वीवो का Y91 है और ये MT के। तो इसमें प्रॉब्लम है, ये आया है कि इसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं, लाइट भी नहीं आ रही है, और कहने जो भी चेक करके वहाँ से भेजा गया है कि इसमें क्या क्या चेक कर लिया गया, इसमें सारी चीज़ें चेक कर ली गई हैं, तो एक बार हम भी शुरुआत से चेक करेंगे, हो सकता है कहीं गलती हो रही हो, कोई चीज़ छूट रही हो जो नहीं समझ पाया हो सामने वाला, है ना, गलती किसी से भी हो सकती है। तो एक बार हम इसे एकदम ग्राउंड लेवल से चेक करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस फॉल्ट को ट्रेस करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो है ज़रूरी नहीं है कि सेट बन ही जाए, हम एक कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहने का मतलब है कि बताया गया कि इसमें सीपीयू भी बदल दिया गया, फिर भी मतलब सीपीयू बदलने के बाद इसमें लोगों पर आ गया, अब पूरा चालू क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी EMMC को प्रोग्राम नहीं करना है, और EMMC को प्रोग्राम करना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि डाटा है इसमें, तो लोगों पर आ गया मतलब सीपीयू की ही दिक्कत है। अब सीपीयू की दिक्कत है तो मदरबोर्ड में तो कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी हम एक बार चेक जरूर करेंगे, ठीक है, देखेंगे तो सही प्रॉब्लम है कि नहीं है फोन, अगर मदरबोर्ड में नहीं है तो सीपीयू हम भी एक बार लगा के देखेंगे, दोबारा सीपीयू लगा के देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रही बात, एक केवल एक कोशिश है, ठीक है, कोशिश है, करके देखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर कहीं आप फंसते हैं तो कोशिश जरूर करना चाहिए, कोशिश करना अच्छी बात है, और कोशिश करने से आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है, कई बार नहीं मिलता लेकिन कुछ ना कुछ तो हासिल होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको जो ढूंढ रहे हैं वही मिले, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका हर फोन सक्सेस हो तो आप उसके चक्कर में कोशिश ही ना करो कि यार भाई पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो देख के जाएगा। अगर आप एक फ़ोन को कर रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं उसके लिए, तो आपकी हैंड स्किल तो इम्प्रूव करके जाएगा, आपको कुछ ना कुछ नया दे के तो जाएगा, हाँ पैसा नहीं देगा ये अलग बात है, ठीक है, लेकिन अगर उसने कोई भी फ़ोन ने आपसे टाइम लिया है तो टाइम के बदले में कुछ ना कुछ तो देगा। ये प्रकृति कभी किसी के साथ गलत नहीं करती, अगर आप उसके साथ कुछ करोगे तो वो आपके साथ रिटर्न जरूर देगी आपको, ठीक है। तो कोशिश करना अच्छी बात है, और हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है ना।
तो हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो इसको डायग्नोस करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो हमारे व्यूअर हैं उनके लिए, कि हमारा एक बैच जो है भोपाल में, मध्य प्रदेश भोपाल में चलता है जहाँ पर अभी मैं बैठा हुआ हूँ, और एक नेपाल में चलता है काठमांडू के पास ललितपुर नाम की जगह है। तो ललितपुर जगह है, उस ललितपुर में जवाल खेल करके एक जगह है, वहाँ पर हमारा एक बैच चलता है, हमारी एक वहाँ पर ब्रांच है। तो वहाँ पर मैं जाता हूँ, खुद मैं ट्रेनिंग देता हूँ वहाँ पर। तो वहाँ पर हमारी टीम है जो हार्डवेयर करवाती है और मैं वहाँ पर थ्योरी कराने जाता हूँ। थ्योरी वहाँ की मेरी 10 दिन की होती है। तो मैं नेपाल में 10 दिन रहता हूँ हर महीने, और 20 दिन मैं भोपाल में रहता हूँ, मतलब इंडिया में रहता हूँ। तो 20 दिन का कोर्स यहाँ होता है जहाँ पर मैं 20 दिन यहाँ रहता हूँ, और 10 दिन मैं नेपाल में रहता हूँ जहाँ पर थ्योरी पढ़ाने मैं जाता हूँ, और प्रैक्टिकल हमारी वहाँ पर जो टीम है वो करवाती है। और प्रैक्टिकल कराने के लिए जो हमारी टीम है वो भी बहुत अच्छा प्रैक्टिकल कराती है, मतलब उनकी हैंड स्किल बहुत अच्छे से इम्प्रूव करवा देते हैं वो लोग, और मतलब सब कुछ। क्योंकि अगर एडवांस टेक की बात है तो ऐसे ही हम हर किसी को मतलब ज्वाइन नहीं करेंगे जो कि अच्छे से ना पढ़ा पाएँ। तो एडवांस टेक की अगर टीम है तो आप भरोसा कर सकते हैं। दूसरी बात, हमने और भी कोर्स निकाले हुए हैं, मतलब लगभग 9 से 10 कोर्स हैं हमारे, तो अलग अलग कोर्स हैं। कोई ऐसे लोग भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं जिनका अच्छा स्किल है, जो CPU डबल डेकर सब कुछ कर सकते हैं, केवल थ्योरी का नॉलेज चाहिए, तो वो भी हमारा 10 दिन का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो भोपाल में भी होता है, नेपाल में भी होता है। और उसके बाद अगर कोई ऐसा भी है जो एकदम फ्रेशर है, तो फ्रेशर के लिए भी हमने कोर्स निकाला हुआ है। केवल उसको स्टैंडर्ड लेवल का कोर्स करना है, केवल उसको स्टैंडर्ड टू एडवांस तक का करना है, हर प्रकार के कोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और EMI ऑप्शन भी है हमारे पास, मतलब हम एक कंपनी के साथ टाई अप कर चुके हैं जिसमें कोई बंदा चाहे, जिसके पास जैसे पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है कि भाई हम पूरी फीस नहीं दे सकते हैं, चाहे वो 0 से एडवांस तक की हो या एडवांस की हो जो भी है, तो उसमें हम उस कंपनी द्वारा आपको फाइनेंस करवा सकते हैं। और वो फाइनेंस में आप थोड़ी सी डाउन पेमेंट देकर, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी सी डाउन पेमेंट देकर के आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और वो डाउन पेमेंट के बाद आपको कंप्लीट लोन फाइनेंस हो जाएगा, और वो फाइनेंस मतलब कंपनी हमें पे करती है, और हमारे पास जो आपकी फ़ीस है वो कंप्लीट पे हो जाती है। उसके बाद आपका कोर्स जो है कंप्लीट हो जाता है, और आपको वो ईजी आसान किस्तों में 6 महीने 8 महीने ऐसे किस्तों में आपको वो मतलब चुकाना होता है। तो आप वो भी कोर्स कर सकते हैं जो मतलब आर्थिक स्थिति से तंग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा है, वो भी कोर्स कर सकते हैं। और लोकल भोपाल के लिए भी हमने कोर्स निकाला है, जैसे लोकल जो हमारे भोपाली होते हैं, भोपाल के लोग क्या है कि अपनी शॉप छोड़ने का मतलब सोचते हैं कि आप शॉप छोड़ेंगे तो उनको मतलब नुकसान सहना पड़ेगा, तो अब उनको सहने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना जब मार्केट टाइम होता है, मार्केट टाइम पर अपनी शॉप पर वापस जा सकते हैं और अपना दिनचर्या स्टार्ट कर सकते हैं, डेली पैसा कमा सकते हैं। उनके शॉप के जाने से पहले यहाँ आकर के पर डे 2 घंटे की क्लास करके और जा सकते हैं। तो जो लोकल के लोग हैं आसपास 100 किलोमीटर तक के लोग भी अप डाउन कर सकते हैं, 2 घंटे पर डे की क्लास करके पूरा अपना 0 से एडवांस वाला कोर्स भी कर सकते हैं, एडवांस वाला कोर्स भी कर सकते हैं, जो कोर्स वो करना चाहें पर डे 2 घंटे। तो सुबह 8 से 10 एक ऐसा हमने टाइम रखा है, सुबह 8 से 10 जिस समय कोई भी आके यहाँ पर अटेंड कर सकता है और अपनी शॉप को वापस से ज्वाइन कर सकता है, और उनको पूरा कोर्स कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2-2 घंटे करके, मतलब ये 3 महीने का कोर्स उनके लिए, जैसे हम ये 20 दिन का कोर्स करा रहे हैं वैसे वो 3 महीने का, 3 महीने में हम 2 घंटे पर डे कराकर उनका सारा कवर करवाएंगे और हर चीज़। और इसमें एक लाभ और है उनको, एक लाभ और ये भी कि पर डे जो भी उनको काम इकट्ठा होता है, जो भी फंसते हैं, वो काम भी यहाँ आके समझ सकते हैं और अपने हाथों से कर सकते हैं, तो उनसे ज़्यादा फ़ायदा तो किसी को नहीं होने वाला। तो ये लोकल के लिए भी मैंने जानकारी देने के लिए अभी ये बोला है। तो इसके बाद हम इसकी स्टार्ट करते हैं चेकिंग कि ये फ़ोन कैसे बनेगा।
तो यहाँ पर जो हमारे पास फोन है ये MTK का Y91 है। तो अभी हमें इसमें क्या है कि ग्राफिक्स की लाइनें चेक करनी है कि ग्राफिक्स बन रहा है नहीं बन रहा है। तो उससे पहले हमें ये देखना है कि ये फोन ऑन है कि नहीं है, क्योंकि जब लाइट और ग्राफिक्स नहीं आ रहा होगा तो हमें तो लगेगा नहीं कि ऑन है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे। अब यहाँ पर ऑन किया लेकिन ना तो लाइट है ना ग्राफिक्स है, लेकिन पता तो चल नहीं रहा है कि ऑन हुआ कि नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। तो अभी हम इसमें देखेंगे, सेट ऑन होगा तो यहाँ पर पोर्ट बनाएगा ऑन का, और नहीं तो आपका कोई MTK CPU का बनाएगा या जो भी है। तो देखो वीवो 1814 मतलब सेट ऑन है, ठीक है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सेट ऑन है। अगर ये सेट ऑन नहीं होता तो ये आपका CPU का पोर्ट बना रहा होता है ना। तो यहाँ पर सेट ऑन होने की कंडीशन तो हमें पता चल गई, लेकिन यहाँ पर ग्राफिक्स भी नहीं है और लाइट भी नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि इसमें आपका लाइट और ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो GR ले लेंगे डिस्प्ले कनेक्टर की डायोड मोड में, और हम इसकी टोटल कनेक्शन चेक करने वाले हैं। तो उसके लिए, चेक करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा कनेक्शन कहाँ है। तो हम खोल लेते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन। अब जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो हम वीडियो बनाते हैं किससे, बोर्नियो स्कीमेटिक से, और हमारे पास खुद का क्या है, मॉक्सी। फिर व्यूअर सोचते होंगे कि हम जब मॉक्सी रखे हुए हैं, जब हमारे पास मॉक्सी है तो हम इसका यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो मॉक्सी चलता है एंड्रॉयड फ़ोन पे, PC पे वो चलता नहीं है, ठीक है। तो एंड्रॉयड फ़ोन में चलने की वजह से हम केवल जब यूज कर रहे होते हैं तो फ़ोन में करते हैं। वीडियो बनाना होता है क्योंकि व्यूअर को दिखाना है तो हमें यहाँ पर बोर्नियो इस्तेमाल करना पड़ता है, नहीं तो बोर्नियो में जितनी चीज़ें हैं वो बोर्नियो से ज़्यादा ही आपको मॉक्सी में मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब हम जैसे ही हमारा डेस्कटॉप वर्जन आएगा, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है आपके लिए, डेस्कटॉप वर्जन भी आने वाला है मॉक्सी का, और वो आपका किस पे, लैपटॉप पे और आपके डेस्कटॉप पर भी चलेगा, ठीक। और सबसे अच्छी बात है कि जो मॉक्सी है हमारी, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो पढ़ के जा चुके हैं और जो अभी पढ़ रहे हैं और जो पढ़ने आने वाले हैं, सबके लिए फ्री है। तो सबसे पहले ऊपर की लाइन पे देखें इस पर GR कितनी है। तो इस पर GR देखते हैं, आ रही है। अगली पिन है आपकी यहाँ से 5 पिन छोड़कर, तो 1, 2, 3, 4, 5 छोड़कर 6वीं, इस पर भी GR है। फिर 1 छोड़कर, इस पर भी GR है। फिर अगली छोड़कर, इस पर नहीं है, इस पर नहीं है, और ये BSN हो सकती है। तो पलट के देखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 1 छोड़कर, ठीक। तो इस पर GR ऊपर तो ओके है। अब नीचे वाली ग्राफिक्स की डाटा वाली लाइन की देखते हैं, तो नीचे की स्टार्ट करें हैं। ओके ओके, फिर 1 छोड़कर 460, फिर 1 छोड़ के 465, फिर 1 छोड़ के 464, 1 छोड़ के 464। तो यहाँ पर GR ओके है। अब हम देखेंगे हॉट टेस्टिंग करके। तो हॉट टेस्टिंग में क्या क्या देखेंगे हम, -5 +5 रीसेट के वोल्टेज है ना,
और VIO 1.8, मतलब जो यहाँ पर लाल कलर की जो लाइन दिख रही है VIO 1.8 है, फिर ये आपके दो कलर जो दिख रहे हैं ये VSN VSP हैं, ठीक है, और यहाँ पर बाकी हाँ ये वाली क्या है, हाँ रीसेट, ऑरेंज वाली रीसेट है। तो हमें ये 1, 2, 3, 4 अगर इन पर वोल्टेज आ गया तो आगे काम करेंगे, नहीं आया तो इन्हीं पे काम करेंगे। अब वोल्टेज मोड में लगा लेते हैं, तो अभी हमने सेट को करते हैं ऑन। अब सेट ऑन हो गया है, ऑन होने के बाद तो यहाँ पे हम बात करें तो चार लाइन यहाँ छोड़ करके पांच भी हमारी प्लस सिक्स की है बीएसपी, एक छोड़कर वीएसएन है तो माइनस में आएगा, आ रहा है, फिर एक छोड़कर आपका वीआईओ 1.8 है तो आ रहा है, उसके बाद रीसेट सबसे आखिरी में 1.8 ए भी आ रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज तो सारे ओके हैं। अब वोल्टेज ओके हैं तो क्या दिक्कत होनी चाहिए, एक बार ग्राफिक्स लाइन देख लेते हैं डीएसओ से, ठीक है, तो डीएसओ से एक बार लाइन देख लेते हैं। जैसा कि बताया गया है कि सीपीयू दूसरा लगाने से आ जाता है, तो मतलब लाइन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो लास्ट में हमारी ग्राफिक्स लाइन है इन पर एक बार हम डीएसओ में देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखें सिग्नल आ रहे हैं, थोड़ा जैसे बड़ा करते हैं ताकि दूर से देखें, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन में देखते हैं आ रहा है, फिर अगली लाइन में आ रहा है, फिर अगली लाइन में आ रहा है, अगली लाइन में स्लीप में चला गया, हाँ आ रहा है, अगली लाइन में आ रहा है, फिर अगली में आ रहा है, अगली में आ रहा है, ठीक है, अगली में देखो। अब इसे थोड़ा सा जूम करके देखना पड़ेगा, ये देखो आया था, ये देखना अभी बीच में, अभी देखे ये आ रहा है, अगली लाइन में आया। तो यहाँ पर सारा एक एक लाइन पे देखा तो सब पे डाटा की लाइन पे डाटा और क्लॉक सब कुछ आ रहा है, तो सारा डाटा क्लॉक भी ओके है, सारे वोल्टेजेस भी ओके हैं, अब लाइट ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। तो अब भी हो सकता है कि लाइट अकेली नहीं आ रही हो, ग्राफिक्स सारा हो और हमें नहीं दिख रहा हो, तो एक बार बैक लाइट बना के देखते हैं। तो बैक लाइट बनाने के लिए क्या करना है, सिर्फ हमें इसके जो PWM सिग्नल होता है उस पर 1.8 कहीं से भी दे देना है, कहीं से भी दे देना है, तो बैक लाइट तो आ ही जाएगी, अगर ग्राफिक्स सारे होंगे तो आपको दिखने लगेगा। ये है हमारी कौन सी लाइट आईसी। लाइट आईसी में हम देखें तो बीच में यहाँ पर आपका कंट्रोल सिग्नल आता है, अभी कंट्रोल सिग्नल कहीं पर आसपास किसी रजिस्टर पर भी गया होगा, तो हम वहाँ से इसमें जम्पर दे सकते हैं, शायद ये पॉइंट होता शायद, एक बार हम स्कीमेटिक में देखते हैं, स्कीमेटिक तो नहीं है, हम हार्डवेयर सॉल्यूशन में देखते हैं कि लाइट कहाँ कहाँ से कौन कौन सी लाइन इसमें गई है। देखिए तो PWM आपका इसी पॉइंट पर आया है, मतलब इस पर हम 1.8 अगर देते हैं जो डिस्प्ले पे गया है, इस पर 1.8 देते हैं तो क्या होगा, या तो हम देखेंगे पहले 1.8 आ रहा है कि नहीं, आता तो बैक लाइट वोल्टेज बनते, मतलब लाइट भी आती, नहीं आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो हम इसमें 1.8 कहीं से भी दे देंगे आसपास से। तो हम क्या करेंगे, अभी सेट को फिर से ऑन करेंगे और डिस्प्ले लगाएंगे, क्योंकि डिस्प्ले लगाने के बाद आता है, और फिर चेक करेंगे कि ये वोल्टेज बन रहा है कि नहीं PWM पर। तो यहाँ पर ये बाजू में जो है उस पर, तो मैं यहाँ पर मल्टीमीटर भी लाता हूँ, इस पॉइंट पर हमको चेक करना है। तो वोल्टेज मोड में है ही, अभी सेट को मैंने ऑन किया है,
और अब हम देखेंगे कि इस पर वोल्टेज है कि नहीं। नहीं है, नहीं है, तो हम इस पर कहीं से 1.8 लाएंगे। तो आसपास में हम देख लेते हैं 1.8 कहीं मिल रहा है कि नहीं। तो आसपास 1.1 1.8, ये 1.8 आ रहा है। तो यहीं से एक जम्पर इस पर लगा के देख लेते हैं। तो अभी हम ये देखेंगे कि ये और ये एक ही है कि नहीं। हाँ, एक ही है। ग्राउंड तो नहीं आ रहा कहीं, नहीं आ रहा। अब सेट को एक बार ऑन करके देखते हैं, लाइट आई कि नहीं आई, ग्राफिक्स आए कि नहीं आए। हो सकता है ये छोटा ही सा पॉइंट हो। देखो, सेट ऑन भी हुआ है, लाइट भी आ गई, शायद दिख रही हो, लेकिन ग्राफिक्स नहीं है। नहीं है ना, ग्राफिक्स होते तो कंप्लीट दिख रहा होता। तो लाइट बन गई लेकिन ग्राफिक्स नहीं है, और ये प्रॉब्लम काफ़ी देखी गई है। काफ़ी ये प्रॉब्लम देखी गई है कि लाइट ग्राफिक्स बनते नहीं है, सब कुछ ओके होता है। और तो ये प्रॉब्लम आप लोगों में से कितने लोगों ने फेस की है? वीवो के सेटों में आपने देखा होगा कि -5 +5 सब बन रहा होता है, लेकिन लाइट ग्राफिक्स नहीं आ रहे होते हैं। देखी है क्या आपने? और व्यूवर, आप भी ये देखिए और सोचिए कि आपने भी कभी ऐसी देखी होगी, और देखी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम मैंने कई बार फेस की है, लेकिन कभी और कहीं कहीं से बना वो सेट, कहीं और कहीं कहीं से भी बना, तो वो मैंने आपको बताया भी है कि और कहां कहां से भी हो सकता है, लेकिन यहां तो सब कुछ ओके है। ठीक, तो यहां पर लाइट आ रही है, ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं। लाइट आ रही है वो भी कैसे, हमने उसमें जुगाड़ की उसका PWM सिग्नल, हमने कहीं से भी उसको 1.8 दे दिया। ये प्रॉपर चीज़ नहीं थी, केवल हमने चेक करने की पर्पज़ ऐसा करके देखा कि कम से कम ये तो पता चले कि फोल्डर में हो सकता है कि ग्राफिक्स अकेले ही मतलब आ रहे हों, लाइट गायब हो अकेली। ठीक, तो इसलिए हमने वो करके देखा, लेकिन यहाँ पर ग्राफिक्स ही गायब हैं और उसी वजह से PWM सिग्नल डिस्प्ले नहीं भेज पा रही है किसको, IC को। तो अब यहाँ पर हम, जैसा कि बताया गया कि इसका CPU भी बदल के देख चुके हैं, और CPU बदलने से आ जाता है, लाइट और ग्राफिक्स दोनों आ जाता है। तो एक बार हम भी देखते हैं चेंज करके कि आता है कि नहीं। बाकी हमें इसमें सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते, इसकी हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, क्योंकि डाटा उसमें इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक बार इसका CPU बदल के देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि CPU कौन सा लगा है, MediaTek का MT6762V 1839 AMSH BTP के, मतलब आप पूरा कोड देख लो। हाँ, पूरा का पूरा कोड आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोड क्या है इसका। तो ये पूरा कोड लिखा है। तो हम एक बार इस CPU को मतलब कहीं और रखने से पहले इसमें क्या करने, एक मार्क लगा देंगे, स्क्रैच कर दें, कुछ भी कर दें, ताकि ये, पहली बात तो जो प्रोडक्ट कोड होता है वो चेंज नहीं होता है। मतलब आपका एक डिवाइस नंबर है, जैसे MT6762V, ये तो सबका सेम रहेगा, लेकिन नीचे की लाइनें जो हैं हर एक IC की चेंज हो जाती हैं। ठीक, फिर भी हम इसमें एक ऐसा निशान लगाएं ताकि ये लगे कि भाई, मतलब किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हमने CPU बदला है, हमने वही CPU लगा के हमें कोशिश करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हम स्क्रैच कर देते हैं। ठीक है, क्या ये मिटेगा? नहीं मिटना चाहिए। और थोड़ा सा कुछ कर देते हैं, यहाँ भी हम एक कुछ नंबर मिटा देते हैं, लो। ठीक, तो अब फिक्स हो गया कि हमने CPU हमने चेंज नहीं, हाँ हाँ ठीक है, अच्छे से लगा दिया। और साथ में EMMC में लगा देते हैं, वैसे भी ये EMMC पेस्टेड है ना, फिर भी
लोगों का क्या, कमेंट में दे भी कह सकते हैं बॉडी बदल दिया। तो एक इस पे भी लगा देते हैं। ये लो एडीबी एडवांस इस पे, ठीक। मैन तो हमारी ईएमएमसी चेंज नहीं होनी चाहिए ना, और बिना ईएमएमसी चेंज करे सीपीयू या प्रोग्राम करे सीपीयू जो है वो नहीं लग सकता, दूसरा डाटा भी नहीं बचा पाएंगे। चलो यहाँ तक ये ठीक है। अब थोड़ा और कुछ करते हैं, थोड़ा और कोई पहचान देखते हैं। तो बोर्ड पे भी लगा दिया, ठीक, बोर्ड पे भी हो गया। कहाँ लगाया ये देख लो, ठीक है, सीपीयू में, ईएमएमसी में, सब में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक सीपीयू बदल के देखेंगे। तो अभी हमने इसमें सीपीयू लगा लिया है, देखते हैं सेट ऑन होता है कि नहीं। सही से लगा होगा तो ऑन हो जाएगा, नहीं तो फिर से लगाना पड़ सकता है। देखो वीवो आ गया। तो इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, इतना तो है ये। और ये दूसरे सीपीयू में, इसका खुद का सीपीयू में नहीं है ये। खुद के सीपीयू में कब खुश होंगे हम, कि अगर हम खुद का सीपीयू सही कर लें तो इसका, ठीक। तो देखो यहाँ पे ईएमएमसी वही है, बोर्ड वही है, केवल सीपीयू नया है, दूसरा है। तो अब सीपीयू को हटाएंगे और हम अपना सीपीयू वापस से लगाएंगे। तो ये तो क्लियर है, सीपीयू बदलने से तो क्लियर हो गया कि मदरबोर्ड में दिक्कत नहीं, जो भी दिक्कत है सीपीयू में। तो हम इसका सीपीयू वापस इसी में लगाते हैं, इसका सीपीयू इसी में लगाते हैं। देखो सीपीयू वही है, ठीक है। ठंडा होने देते हैं फिर देखते हैं।
आ गया, आ गया मतलब सेट ऑन हो गया। तो अभी सेट ऑन है, हमने सीपीयू वही के वही लगा दिया, कोई ग्राफिक्स नहीं, कोई लाइट नहीं, ठीक है, और यहाँ पर सेट आपका ऑन हो गया है। तो अब हम इसमें देखा जाए तो हमने सब कर लिया, देखा जाए तो हमने सब कर लिया, लेकिन सीपीयू खराब निकला इसका। अब सीपीयू में कुछ कर सकते हैं, सीपीयू के लिए कुछ कर सकते हैं, तो करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे पहले ऐसा नहीं कि मैंने भी कभी किया हो इसे, मैं भी एक पहली बार इसमें कोशिश करने जा रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हो गया तो आगे जितने सेट ऐसे हमने देखे हैं कि जिनमें लाइट ग्राफिक्स के सारे सिग्नल आते हैं, सारे वोल्टेजेस आते हैं, सारी जी आर ओ के होती है, फिर भी उनमें आपका ग्राफिक्स नहीं आ रहे होते हैं, तो उसमें हम एक नई राह, एक हमें नया रास्ता मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए हम कहते ही हैं कि हर रोज़ एक नई खोज, और ये आपको भी करना चाहिए। तो खोज करना है यहाँ पर, कोई पहले से ऐसा पता नहीं है कि हो सकता है कि नहीं, लेकिन हाँ करने में कुछ नहीं जाता, करके देखना चाहिए। और इतनी उम्मीदों से अगर आया है तो कोशिश तो बनती। तो आपको तो पता है कि इतना सब करने के बाद सीपीयू में, मैंने आपको बताया था कि सीपीयू में हम कहाँ और क्या कर सकते हैं, आपको पता है, बताया था ना। तो हम वहीं पर जो दो पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि इन दो पॉइंट पर भी मतलब सप्लाई आती है, और वो इनपुट है सीपीयू का, आउटपुट नहीं है, वो इनपुट है। और हम जितने भी चेक करते हैं क्या करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं। सीपीयू के आउटपुट हैं और डिस्प्ले के इनपुट हैं। अगर हम सीपीयू का ही इनपुट चेक कर लें एक बार प्रॉपर है कि नहीं, तो उससे हम कन्फर्म कर पाएंगे। अगर प्रॉपर है तो फिर सीपीयू को हम कुछ भी नहीं कर सकते, सीपीयू बदलना ही पड़ेगा। अगर इनपुट उसका ख़राब हो गया है, शॉर्ट हो गया, लीकेज हो गया, या अगर शॉर्ट लीकेज होता सेट ऑन ही नहीं होता, या ओपन हो गया, या ओपन हो गया तो ओपन हो सकता है, ठीक है। अब ओपन कहाँ से, क्योंकि सीपीयू तो पूरा हम प्रॉपर कनेक्टेड है, हमारी प्रॉपर बॉल बनी हुई है, तो जो भी कनेक्शन होगा वो कहाँ से होगा, अब इंटरनल सीपीयू के अंदर ख़राब हो सकता है। तो इंटरनल सीपीयू के अंदर हम जा करके कुछ कर सकते हैं, तो कोशिश करके हम देखते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पहले इसको हमने ड्रिल कर लिया और इसके पॉइंट निकाल लिए, अब हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि इसमें किस पोल पर कितनी जी आर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ शॉर्ट हो सकता है, लीकेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है सब कुछ ओके हो, तो हम समझेंगे कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। यहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई तो हम आगे देखेंगे, क्योंकि स्टेप्स तो बहुत सारी हैं, इसके अलावा भी हम आगे भी जा सकते हैं। तो पहली स्टेप पर हम ये देखेंगे, इससे नहीं हुआ तो और भी जगह इसको ड्रिल करना पड़ सकता है, मतलब कि जिस प्रॉब्लम ये है, इस प्रॉब्लम में हम मात्र एक कोशिश कर रहे हैं, तो एक जगह से लेकर के हो सकता है कि दो जगह और तीन जगह भी हमको ड्रिल करना पड़े, ठीक है। तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो इसकी हम जी आर देखते हैं, इसकी जी आर कितनी है आपको दिखी, फिर देखेंगे इसकी जी आर,
ठीक। तो जो मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से आप देख सकते हैं ये जी आर ओके है। यस सर। लेकिन अगर हम इसकी देखें तो इस पर जी आर बहुत ज्यादा हाई है। क्या इस लाइन की इतनी हाई जी आर होना चाहिए? तो इसका मतलब तो ये है कि हमें फर्स्ट अटैक में ही इसमें जी आर गड़बड़ मिली है ना। जी सर। तो हम देखेंगे कि ये जी आर अगर हम इसको सही कर देते हैं तो ये ओके होता है कि नहीं। अगर ओके नहीं हुआ तो आगे देखेंगे। जी सर। ठीक। तो जी आर जो गड़बड़ है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जैसे इस पॉइंट की जी आर ओके है, जैसे इस पॉइंट की जी आर ओके है और इसकी ओके नहीं है, इसकी ज़्यादा आ रही है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में एक बार सॉर्ट करके और फिर देखते हैं कि ये सही होता है कि नहीं। तो चलिए ऐसे हम सॉर्ट कर लेते हैं और देखते हैं फिर होता है कि नहीं। तो इसके लिए हम इसमें आपस में जंपर लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ हमने इसको सॉर्ट कर लिया है आपस में, और ये हमने क्यों सॉर्ट किया ये भी आपको पता है, क्योंकि जो आपको ग्राफिक्स और लाइट सेक्शन पढ़ाया गया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सी लाइन किस काम की होती है। अगर मैं एक लाइन से दूसरी लाइन के लिए रेफरेंस ले रहा हूँ इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका रीज़न होगा। अगर यहाँ से नहीं होता तो और भी हम आगे देखते पॉइंट, लेकिन हम अभी भी देखेंगे कि अभी तो हमने केवल जंपर लगाया है, अभी देखते हैं कि यहाँ से होता है कि नहीं। अगर यहाँ से हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो फिर आगे देखेंगे। ईश्वर करे कि मेरी मेहनत सफल हो या नहीं हो, ये फोन बने या नहीं बने, आप लोगों का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। ये बस ये ईश्वर से प्रार्थना है, बस हे ईश्वर ख्याल रखना। चालू हो रहा है। आपको नहीं पता मेरे सामने वाले का डाटा कंप्लीट आ चुका है ना। तो जैसे फोन अभी चालू है, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि चालू करके कोई और दिखाया हो, तो एक बार मैं फिर से यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो एक बार मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ कि बोर्ड ये वही है कि दूसरा है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये बोर्ड में मैंने यहाँ पर थोड़ा ऐसा सीधा करता हूँ, यहाँ पर जो मैंने स्क्रैच किया था, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर ये किया था, सेम सीपीयू, सेम ईएमएमसी और सेम आपका बोर्ड है। और यहाँ ईएमएमसी भी देख सकते हैं कि अभी इसमें इसको निकाला नहीं गया है, पेस्टेड है, ठीक है। तो मैं और अच्छे से आपको ईएमएमसी यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए,
अभी पूरे यहाँ पर EMMC जो है फिक्स है और ये हार्ड पेस्टेड होती है वो आप सभी जानते हैं। तो हमने लाइव सबके सामने यहाँ पर करके देखा है और यह कोई जादू नहीं था, ये एक प्रयास था कि करके देखा जाए, है ना। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होगा, बस एक कोशिश है। और मेरे ख्याल से तो कोई सा भी फॉल्ट हो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। हम फेल कहाँ हो जाते हैं, हम फेल वहाँ हो जाते हैं जहाँ ये होता है कि भाई पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं, अगर हम ये सोच के काम करना हम कई बार छोड़ देते हैं और कोशिश नहीं करते हैं। जहाँ जैसे ही हमने ये सोच लिया नहीं पता नहीं होगा कि नहीं, हमारे इरादे वैसे ही कमज़ोर हो जाते हैं, इतने सोचते से ही कमज़ोर हो जाते हैं। और जब इरादे ही कमज़ोर हो तो प्रकृति कहाँ साथ देगी आपका, देगी क्या? नहीं देगी। तो इरादों को इतना मजबूत इतना बुलंद करो कि प्रकृति भी पूरी ताकत लगा दे आपके साथ आपको सक्सेस करने में। तो मतलब जो चीजें वीडियोस में आप देख करके यहाँ पे पहुंचे थे, तो कई बार लगता था कि यार सब कुछ फेक हो सकता है, आर्टिफिशियल तालियां है, पीछे से लोग ताली बजा देते हैं इसलिए सबको ताली बजानी पड़ती है, जो भी कमेंट आते थे ऐसे। लेकिन आज आपने लाइव इस चीज को एक्सपीरियंस किया, फील किया, मतलब टच एंड फील वाली बात आ रही है। yes, sir. Yes, sir. आप लोगों का जो एक्साइटमेंट था, आप लोगों का जो देखते बन रहा था, ये एक्साइटमेंट, ये खुशी, ये जो फील था ना, ये आर्टिफिशियल आ ही नहीं सकता, है ना। आप लोग मतलब खुशी से झूम रहे थे, मैं पीछे देख रहा था कि किसका मन कर रहा है, वो ताली बजा रहा है, कोई सीटी बजा रहा है, कैसा माहौल था, है ना। अंदर से जो खुशी निकल करके आती है, तो ये आर्टिफिशियल हो ही नहीं सकती, ये मेकओवर हो ही नहीं सकता। तो ये जो चीज़ें आप वीडियोज़ में देखते हैं, ये लाइव क्लास में होता है। लोग इतना प्यार देते हैं क्योंकि यहाँ पर सच्चाई है, ईमानदारी है, मेहनत है। हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कहा था कि ये सिर्फ एक प्रयास है, और मैं समझता हूँ कि यूट्यूब के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा सॉल्यूशन आप लोगों के सामने आया होगा। इससे पहले आपने ऐसा कोई सॉल्यूशन यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। एडवांस टेक हमेशा सॉल्यूशन दिखाता है ना, आपको एक एक चीज़ चेक करके दिखाया, चेक करके आपको बताया। तो फाइनल इसको मैं कंक्लूजन पे इस तरीके से लेके आऊँगा कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग भरपूर होना चाहिए। बात ये नहीं कि वो हार मान ले अपनी, बात ये नहीं कि वो हार मान ले अपनी, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। यहाँ पे बात वही थी कि जो भी हो, है ना, भरपूर होना चाहिए, प्रयास करेंगे, लास्ट लेवल तक जाकर के उसको कोशिश करेंगे। मतलब सोच के देखो यार, सोच के देखो, मैं खुद एक्साइट हो रहा हूँ, मतलब बात कर रहा हूँ तो मैं, मेरी जवान लड़खड़ा रही है कि क्या इस लेवल तक भी जाया जा सकता है कि CPU को इंटरनल जाकर के रिपेयर किया यार। मतलब कहते हैं ना, आप जो सोच सकते वो कर सकते हैं, लेकिन वहां तक सोच जा रही है कि नहीं जा रही है वो मैटर करता है, आप वहां तक सोच पा रहे हैं क्या। तो ये चीज है, मतलब पावर ऑफ एजुकेशन, राइट एजुकेशन कहेंगे इसको, है ना। एक सही डायरेक्शन से अगर आप एजुकेट होकर के आप अपने अपने मार्केट्स में जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है और आपके एक्शंस जो है वो बदल जाएंगे, है ना। अभी तक हम गलत डायरेक्शन में, हो सकता है मेहनत कर रहे थे इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ से एजुकेट होने के बाद जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको भी कुछ इस तरह के मिरेकल्स मिलने वाले हैं, है ना। एक मिरेकल ही है, आज देखा गया तो मिरेकल ही है ना। विदाउट CPU चेंज ये पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन जो चैलेंज था सर ने स्वीकार किया, और इसको हो या जंग या रिपेयरिंग भरपूर होना चाहिए, तो सर ने भरपूर किया। और भाई हार मान ले अपनी, जो मैंने चंद लाइनें कही थी कि भाई जरूरी नहीं कि सिर्फ वो अपनी हार मान ले, अपन हार मान जाते तो आज इस पर जंग नहीं जीत पाते। तो कोशिश ये किया कि उसको मजबूर होना पड़ा, सेट को ओके होने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सर का जो एक दो तीन लाइनें हैं जो मेरे दिल को बहुत अंदर तक मतलब कंपन महसूस करवा देती है, जैसे कुछ तो बाकी है, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, कुछ तो बाकी है, इसको अगर फॉलो कर लिया तो मतलब नहीं चुकोगे आप, अगर कुछ तो बाकी है के पीछे अगर लग गए। तो सर भी यही बात करते हैं कि प्रकृति हमेशा लौटाती है आपको, जो आप देते हैं वो उस बूमरेंग होकर के वो आप तक लौट करके आता है। तो आपने अगर मेहनत की है, आपने अगर कोशिशें की है, तो वो कामयाब डेफिनेटली होगी, आज नहीं तो कल, लेकिन होगी ज़रूर।
तो मतलब मजा आ गया, मेरे को खुद को पर्सनली बहुत मजा आ गया, उसके लिए एक बार वंस अगेन क्लैपिंग। हैट्स ऑफ टू यू।